Dear students, good morning. Class first, subject science worksheet number 1 से जो अपनी fourth रह चुकी थी, ठीक है, वो करवानी, ठीक है. 19 September रह थे. Question बहुत है. Tick the correct answer. हमें correct पर tick लगाना है, ठीक है. First है हमारा living things need. जो जीवित चीजें रहती है वो क्या खाती है? Food, rock, pencil, मतलब खाना, चट्टान या pencil. तो जो जीवित लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं? खाना. सेकेंड है अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. बच्चे कौन सी जगह पर खेलते हैं? मार्केट में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं कि बैंक में? तो पार्क में खेलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है वी शुड कीप अवर नेबरहुड. हमारा आस पड़ोस कैसा होना चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, डर्टी गंदा होना चाहिए या सेफ, सुरक्षित होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा, क्लीन. फोर्थ है बर्ड्स वॉक विथ द हेल्प ऑफ देयर. जो बर्ड्स होती है, पक्षियां होते हैं, वो कैसे चल पाते हैं? किसकी हेल्प से? किसी मदद के द्वारा चल पाते हैं. विंग्स मतलब पंख से, लेग्स मतलब पैरों से और हैंड मतलब हाथों से. तो वो अपने लेग्स से चलते हैं. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू हियर म्यूजिक. हमें वो ऑर्गन बताना है जिसकी मदद से हम कानों में म्यूजिक, गाना सुन पाते हैं, ठीक है. तो लेग्स, हेड या ईयर्स. तो हम ईयर्स की वजह से म्यूजिक सुन पाते हैं. क्वेश्चन 6 से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल हेल्प यू टू पेंट अ पिक्चर. हमें वो ऑर्गन बताना है जिसकी मदद से हम पिक्चर को पेंट कर पाते हैं. तो आईज, लेग्स और हैंड. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? हैंड. हम अपने हैंड, हाथों के द्वारा लिख पाते, पिक्चर बना पाते. हाउ सेवन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स द हैव बॉडी हैव. हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन रहते हैं? 1, 3 और 5. कितने सेंस ऑर्गन रहते हैं? 5, 8. अ प्लेस टू गो व्हेन यू आर सिक. जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं कि ऑफिस में जाते हैं कि बैंक में जाते हैं? तो कहाँ पर जाते हैं? हॉस्पिटल में. क्वेश्चन 9 है स्मॉल प्लांट्स दैट हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड. जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं और जो उनका जो तना होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं कि प्लांट बोलते हैं? तो हम उसको क्या बोलते हैं? हर्ब्स. क्वेश्चन 10 है टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड. तो लंबे और जो मजबूत प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज, प्लांट्स की हर्ब. तो ट्रीज मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं उनको कहते हैं. क्वेश्चन 11 वीट इज ए गेहूं. अब वीट क्या है? अनाज, ठीक है. तो वीट क्या हमारी सीरियल है, पल्से की स्पीसीज है. तो वीट हमारी सीरियल है. 12 नंबर का हाउ मेनी लेग्स आर इंसेक्ट्स है. जो लेग्स होते हैं उनके कितने इंसेक्ट्स? जो लेग्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं? 6,